इसरो के ध्रुवीय प्रक्षेपण यान पीएसएलवी का यह 47वां अभियान PSLV-C45 है, जिसमें वह एक साथ 29 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेगा। इस उड़ान में यान उपग्रहों को दो अलग अलग कक्षाओं में स्थापित करेगा। इस अभियान में पहली बार 4 स्ट्रैप ऑन मोटर वाला पीएसएलवी का QL संस्करण उड़ान भरेगा। इससे पूर्व पीएसएलवी ने 2, 6 या फिर बिना स्ट्रैप ऑन मोटर्स के उड़ान भरी थी। इस अभियान द्वारा भारत के मुख्य उपग्रह EMISAT को प्रक्षेपित किया जाएगा। इसका भार करीब 436 किलोग्राम है। इसके साथ PSLV-C45 विदेशों के 28 कस्टमर उपग्रहों को भी प्रक्षेपित करेगा। इन विदेशी उपग्रहों में से 24 अमेरिका के हैं, जिसमें भू अवलोकन हेतु 20 फ्लॉक उपग्रहों का समूह शामिल है। साथ ही वेसल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के साथ 4 लेमूर उपग्रह भी शामिल है। अन्य 4 उपग्रह लिथुएनिया, स्पेन एवं स्विट्जरलैंड के हैं। इस उड़ान में पीएसएलवी के चौथे चरण को अंतरिक्ष संबंधी प्रयोगों के लिए ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग किया जाएगा। इस चरण में 3 भारतीय पेलोड लगाए गए हैं। एमसैट इंडिया का ऑटोमेटिक पैकेट रिपीटिंग सिस्टम APRS, इसरो का ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AIS एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवांस रिटार्डिंग पोटेंशियल एनालाइजर फॉर आयनोस्फेरिक स्टडीज ARIES। APRS एमेच्योर रेडियो एप्लीकेशन के लिए डिजिटल रिपीटर है। यह एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर्स को पोजीशन डेटा की ट्रेनिंग एवं मॉनिटरिंग में मदद करेगा। AIS को जलयानों के ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाया गया है। यह समुद्री जहाजों द्वारा प्रसारित किए गए संदेशों को ग्रहण करके उन्हें भू स्टेशनों को प्रसारित करेगा। ARIES एक प्लाज्मा एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण है, जिसे आयनोस्फीयर के रचना संबंधी अध्ययन के लिए बनाया गया है। इस अभियान में PSLV सबसे पहले 749 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में EMISAT को प्रक्षेपित करेगा। उसके पश्चात अपने इंजन को 2 बार फायर करने के बाद चौथा चरण PS4 504 किलोमीटर की निचली कक्षा में आएगा और 28 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित करेगा। उसके पश्चात यह चरण 485 किलोमीटर की कक्षा में आएगा और फिर 3 पेलोड की मदद से अंतरिक्ष संबंधित प्रयोग करेगा। पहली बार पीएसएलवी के चौथे चरण में सोलर पैनल भी लगे होंगे, जो कक्षा में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। एक टेस्ट प्लेटफॉर्म के रूप में PS4 की उपलब्धता से रियल टाइम में पृथ्वी के आयनोस्फीयर के अध्ययन का अवसर मिलेगा, जिसे भविष्य में आयनोस्फीयर के सटीक मॉडल का विकास करने में मदद मिलेगी। यह उपग्रह के नेविगेशन सिग्नल को और अधिक बेहतर एवं सटीक बनाने में सहायक होगा। यह मॉडल अन्य उपग्रहों में भी बहुत मददगार होंगे। PSLV-C45 भारत के स्पेस पोर्ट सतीश धवन स्पेस सेंटर SHAR श्रीहरिकोटा के द्वितीय लॉन्च पैड से अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। Thank you.
Namaskar, good morning and greetings to all our viewers. I am Abhay Kumar and together with my senior colleague and fellow commentator, Sri Vinod Kumar Srivastav, I welcome you to this launch event being telecast live on Doordarshan from the Mission Control Center at the Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota. We are here to bring to you the live coverage of PSLV-C45 EMISAT mission. The launch will take place at 9:27 a.m. Indian Standard Time from our second launch pad. The PSLV-C45 today is carrying a total payload mass of about 683 kilograms. Namaskar. इस वर्ष के द्वितीय उपग्रह प्रक्षेपण अभियान के शुभ अवसर पर मैं विनोद कुमार श्रीवास्तव अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री अभय कुमार के साथ आप सभी दूरदर्शन के दर्शकों के साथ साथ इसरो नेटवर्क के दर्शकों का सतीश धवन अंकित केंद्र शार श्रीहरिकोटा के मिशन नियंत्रण केंद्र से अभिनंदन करता हूँ। आज का ये उपग्रह प्रक्षेपण ध्रुवी उपग्रह प्रमोचन यान श्रृंखला की 47वीं उड़ान है। ये प्रक्षेपण PSLV-C45 EMISAT मिशन के अंतर्गत श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन पैड से आज भारतीय समय अनुसार प्रातः 9:27 पर नियोजित की गई है। A view of the launch gallery of the mission control, the VVIP sitting there. Before that, you had a view of the prevalent weather, the long shots and the weather conditions from the videos were clear. It has been a bright and a pleasant sunny morning. Yes, on your screens now, the weather here. It has been a bright sunny morning and the ground winds are very benign. They are about 7 to 8 meters per second, which is very favorable for the launch. And PSLV is designed to take up much higher winds. इस समय आपका आकाश खिली हुई धूप है, आसमान साफ है और हमारे मेट डिपार्टमेंट ने लॉन्च देने का अपना निर्णय दे दिया है। The main craft for today's mission is the EMISAT built by ISRO, and there are 28 customer satellites. On your screens again, the weather here, shot of Sriharikota, flora and fauna. You can see the trees with a slight breeze and slight movement of the branches of the leaves. Back to mission control. इस समय मिशन डायरेक्टर आपके सामने श्री बीजू जी मौजूद हैं। उनके साथ में उनकी पूरी टीम आपको मिशन नियंत्रण कक्ष में आपको दिख रही है इस समय। Yeah, as I was saying, the main spacecraft is the EMISAT built by ISRO, and there are 28 customer satellites, 24 from the United States of America, 2 from Lithuania, and 1 each from Spain and Switzerland. On your screens, the senior engineers of ISRO monitoring the launch, Sri Kunnikrishnan, Director URSC, in conversation with Sri Narayanan, LPSC Director. Roger. Now, we are going to present to you an integration film on the integration activities for C-45 mission. Please stand by for the integration film. इस समय आप ट्रांसमिटिंग इनिशियल वैल्यूज -22 मिनट्स अब आपको समाकलित करने रॉकेट समाकलन के हिसाब से आपको एक फिल्म दिखाई जाएगी। ये श्रीहरिकोटा का जो मेन द्वार है, अब ये नॉर्दर्न एंड सेगमेंट जो कि पहला सेगमेंट होता है, इसको हम एसएमपी बिल्डिंग से लॉन्च पैड की ओर या उसकी जो व्हीकल असेंबली बिल्डिंग है उसमें ले जा रहे हैं। अब ये जो नॉर्दर्न लैंड सेगमेंट है, इसको नॉल पेडेस्टल के वेल में धीरे धीरे लोअर किया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में इसके सेगमेंट जोड़े हैं, ऐसे 5 सेगमेंट को जोड़ के हमारा प्रथम चरण का रॉकेट या कोर मोटर बनाया जाता है। ये विधि जो दिखाई जा रही है, ये 2 सेगमेंट को जोड़ने के लिए है, जिसके के बीच में PC-10 लगा के हम दोनों सेगमेंट्स को जोड़ते हैं। ये टंग और ग्रू अरेंजमेंट है, जिसको कि हम बोल्ट के द्वारा सेट करते हैं। ये स्टेप ऑन रॉकेट लाया जा रहा है, इसको कि मेन रॉकेट या मुख्य रॉकेट कोर के साथ में जोड़ जा रहा है। ये RCS रॉकेट का था। अब आप देख रहे हैं स्टेप ऑन मोटर को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करके उसको
रॉकेट के साथ में समाकलित करते हैं. The interstage between first and second stage was shown. Now the flag off of the second stage, that is our liquid stage of PSLV, is being shown. The second stage is brought to the launch pad and being slowly lifted to be placed over the interstage between the first and second stage. As you can see now, the second stage is being lowered and integrated. This is the preparation of the fourth stage and the third stage in the preparation building. The black cover is the fourth stage. Now the combined fourth and third stage assembly has been flagged off to the launch pad. इस समय आप देख रहे हैं थर्ड और फोर्थ स्टेज को एक कंटेनर के अंदर में रख के लॉन्च पैड पे हिला के हम सेकंड स्टेज के ऊपर में समाकलित करते हैं. ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ये इमीसैट सैटेलाइट का है जिसको कि हम पेलोड एडाप्टर के ऊपर में समाकलित कर रहे हैं. आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ द ईएमआईसैट नाउ यू कैन सी द assembly being prepared for now it is being carried on to the launch pad. It is being brought to the launch pad now, and it is now being assembled over the fourth stage. इस समय का जो दृश्य आपके सामने है, इसमें सैटेलाइट को धीरे-धीरे उठा लिफ्ट करके उसको हम चतुर्थ स्टेज के जो लॉन्च पर जो हम समाकलित बिल्डिंग है वहां पर इसको हमने उसको समाकलित कर दिया है. अब इसको ऊष्मा कवच या हीट शील्ड के द्वारा इन दोनों को हम बंद करेंगे. आगे आने वाले दृश्य में इस समय जो आप देख रहे हैं ये पीएस4 में लगा हुआ सौर पैनल है और ये दोनों हीट शील्ड के पार्ट को हम लोगों ने क्लोज कर दिया हुआ है. Now the heat shield has been closed and Director Sriharikota is sending off the vehicle from the vehicle integration building to the launch pad. You can see slowly on the mobile launch pedestal the vehicle has been moved towards the umbilical tower of the second launch pad. A long shot of the vehicle standing gloriously on the second launch pad. Now on your view is the inauguration of the Space Theme Park Launch View Gallery. Yesterday our chairman has made this inauguration where people of India can have a view of our launches. ये जो व्यू गैलरी है उसको स्पेस थीम पार्क नाम दिया गया है. इसमें 5000 दर्शक एक समय में बैठ के लॉन्च को देख सकते हैं. इस समय का जो दृश्य है ये इनॉग्रेशन के समय का दृश्य है. अब आप देख रहे हैं ये गैलरी का रात का दृश्य. बैक टू द लाइव कवरेज ऑफ द C-45 मिशन. श्री के शिवन, डॉक्टर के शिवन, चेयरमैन इसरो, इन द सेंटर ऑफ योर स्क्रीन. On the right of the screen is Sri S. Pandian, Director Sriharikota Center, SDSC SHAR. And on the left on the screen is Sri S. Somanath, Director of Vikram Sarabhai Space Center. A view of experts sitting on the mission control. Today is the day of quite a few firsts for PSLV. In today's mission, for the first time, we are employing a new variant of PSLV called the PSLV-QL. In PSLV-QL, we will have four solid strap-on motors attached to the core as compared to the regular six strap-ons. Today, for the first time, we will go to three different orbits in a single mission. We will climb to 749 SSPO first and inject EMISAT. Then we will change the orbit to 504 km SSPO and inject the 28 customer satellites. Finally, in the next orbit, we will change over to 485 km circular. And again, for the first time, the last stage of PSLV called PS4 is equipped with solar panels, as you saw in the integration, and will be kept under three-axis subsidized mode for one full orbit. Then it is spun and left to work as an orbital platform where three non-separable payloads will be functioning from it. PSLV के मानक रूप जिसको हम PSLV XL के नाम से संबोधित करते हैं, कम भार की उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए PSLV के कई रूपांतर हैं। इस रॉकेट में जब कोई स्टेप ऑन नहीं जोड़ा जाता है तो उसे हम PSLV-CA के नाम से कहते हैं या कोरलोन। इस रूपांतर में कई देशी एवं विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण हो चुका है. जब दो स्टेप ऑन रॉकेट को मुख्य रॉकेट से समाकलित करते हैं तो उसे हम PSLV रियल. Now an important event is going to happen. The vehicle, the mission director, Sri S.R. Biju, will be authorizing the launch shortly. Taking T as the liftoff time, at T minus 16 minutes, the launch authorization will happen. You can see any time the launch being authorized now. Minus 16 minutes. On the screen, Sri S.R. Biju. Director, mission director, Sri
mission readiness review and launch authorization board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV-C45 EMISAT mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range, ISTRAC network stations, and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV-C45 EMISAT mission at 9:27 hours IST today, that is 1st of April 2019. श्री बिजू ने मिशन डायरेक्टर जो इस लॉन्च किए हैं उन्होंने अपना ऑथराइजेशन दे दिया है नाउ नेक्स्ट आफ्टर ऑथराइजेशन बाय द मिशन डायरेक्टर द व्हीकल डायरेक्टर श्री एन श्रीकांत विल ऑथराइज द ऑटोमेटेड लॉन्च सीक्वेंस टू प्रोसीड विद द लॉन्च वंस व्हीकल डायरेक्टर हियरबाय ऑथराइजेस टू इनिशिएट ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस फॉर द लॉन्च ऑफ PSLV-C45 EMISAT मिशन at 9:27 hours IST today, that is April 1st, 2019. LSC Roger. Srikant, जो कि ये vehicle director हैं, उन्होंने authorization दे दिया है automatic launch sequence को शुरू करने के लिए. After authorization by Srikant, the vehicle director, the vehicle has now entered the automated launch sequence at just now at T-minus 14 minutes and 30 seconds. Now, from this event onwards, checkout of all the vehicle and satellite related activities are taken care by the onboard computer system residing in the launch vehicle. Automatic launch sequence mein vehicle ka pura control onboard computer pe chala jata hai aur wahan se sare parameter se control kiye jate hain jo ki sab mein hum dekh rahe hain hamare screen pe automatic launch sequence mein ALS ka shuruaat ho gaya hai iska jab next checking hoga wo PS2 ka actuation system check hoga us pe command de diya gaya hai और हम अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं उसके आगे वाले इवेंट एक एक करके शुरू होते जा रहे हैं अब आप देख रहे हैं इस समय लॉन्च एक्शन बोर्ड के डायरेक्टर्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर में हैं और वो सब एक एक करके सारे पैरामीटर्स को अपने स्क्रीन पे मॉनिटर कर रहे हैं टुडे इज द टुडेस फ्लाइट इज द 47th फ्लाइट ऑफ PSLV दिस आल्सो हैपेंस टू बी 12th फ्लाइट फ्रॉम द सेकंड लॉन्च पैड The remaining 35 launches have taken place from our first launch pad. This is the 71st launch vehicle mission from Sriharikota. The PSLV, the workhorse of ISRO, and its 44 successful flights till date are testimony of its excellence. जैसा कि आपको मालूम होगा, इस वर्ष का पहला प्रक्षेपण 24 जनवरी को प्रथम प्रमोशन पैड से PSLV-C44 माइक्रोसैट मिशन के अंतर्गत किया गया था। ये प्रमोशन इस वर्ष का दूसरी और श्रीहरिकोटा उपक्षय प्रमोशन अभियानों का 71वां उड़ान होगी और सेकेंड लॉन्च पैड से उड़ने वाला ये पहला रॉकेट होगा इस बार का ये प्रमोशन यान PSLV का एक नया रूपांतर है जिसमें चार स्टेप ऑन को कोर मोटर के साथ में समाकलित किया गया है इस रूपांतर को हमने PSLV-QL का नाम दिया है अब मैं आपको आज के प्रक्षेपण के बारे में विस्तृत जानकारी देता हूँ आज के प्रक्षेपण में चार स्टेप ऑन एक्सेल रॉकेटों को कोर मोटर के साथ सम्मिलित किया गया है इस प्रक्षेपण में उपग्रहों को दो भिन्न भिन्न पृथ्वी की कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा इसके लिए PS4 द्रव नोदन इंजन को बार बार प्रज्वलित करना पड़ेगा सर्वप्रथम प्रक्षेपण यान 749 किलोमीटर की वृत्ति पृथ्वी कक्षा में 436 किलोग्राम वाला इमीसैट को स्थापित करेगा इसके बाद PS4 रॉकेट के इंजन को दो बार प्रज्वलित करके 28 विदेशी उपग्रहों को 504 किलोमीटर की कक्षा में छोड़ेगा उसके उपरांत PS4 रॉकेट PS4 ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट के लिए 485 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा इन तीन प्रयोगों में इसरो का ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम समुद्री तटीय उपयोग के लिए समुद्री जहाज से आने वाले संदेशों दूसरा प्रयोग रेडियो अमरचर सेटेलाइट इस समय अब आप एक स्क्रीन पे देख रहे हैं चेयरमैन इसरो को और ये बहुत ध्यान से अपने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस में होने वाले इवेंट्स को देख रहे हैं इसके आगे इसका जो तीसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है जिसमें एडवांस रिटार्डिंग पोटेंशियल एनालाइजर ये आइनोस्पोक के अध्ययन के लिए यूज किया जाएगा अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस हो रहा है उसका जो आखिरी इवेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जिसमें कि हम रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर RCT को 0 से 2.8 सेकंड पर ऑनबोर्ड के कंप्यूटर के द्वारा
हम इसको प्रज्वलित करते हैं। जब इन दोनों आरसीटी के इग्निशन कंफर्म हो जाते हैं तभी ऑनबोर्ड कंप्यूटर हमारे प्रथम चरण को प्रज्वलित करने के लिए T0 पर कमांड भेजता है। उसके बाद 0.42 और 0.62 सेकंड्स पर एक और दो और तीन और चार नंबर वाले स्टेप ऑन रॉकेटों को इग्नाइट कराया जाएगा। इन सभी रॉकेटों के प्रणोद के कारण PSLV रॉकेट अंतरिक्ष में अपने गंतव्य मार्ग को धीरे धीरे अग्रसित होगा। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर इस समय हमारे कुछ गणमान्य लोग आपके कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रहे हैं। नाउ वी प्रेजेंट टू यू अ फिल्म मेड बाय अवर डेवलपमेंटल एंड कम्युनिकेशन यूनिट ऑफ इसरो एंड दिस फिल्म डिपिक्ट्स टू यू द एक्टिविटीज फॉर C-45 मिशन। प्लीज स्टैंड बाय फॉर द इंटीग्रेशन फिल्म। In its 47th mission, PSLV-C45, the polar satellite launch vehicle of ISRO is set to launch 29 satellites. In this flight, the vehicle will place the satellites in two different orbits. For the first time, the QL variant of PSLV with four strap-on motors is being flown in this flight. In all its earlier flights, PSLV had flown with 2, 6, or without any strap-on motors. Weighing 436 kilograms, EMISAT of India is the primary satellite to be launched in this mission. Along with this satellite, PSLV C-45 will launch 28 customer satellites. 24 of these customer satellites are from the USA, which include 20 Flock Earth observation satellites and 4 Lemur satellites with vessel automatic identification system. The other 4 satellites are from Lithuania, Spain and Switzerland. This flight will also utilize the 4th stage of PSLV as an orbital platform for carrying out space-borne experiments. For this, the stage is equipped with 3 Indian payloads. Automatic Packet Repeating System, APRS from AMSAT India. Automatic Identification System, AIS of ISRO. And Advanced Retarding Potential Analyzer for Ionospheric Studies, ARES, from Indian Institute of Space Science and Technology. APRS is a digital repeater for amateur radio applications. It will assist amateur radio operators in tracking and monitoring position data. AIS is meant for automatic identification of ships. It will function by capturing messages transmitted from ships and relaying them to ground stations. ARES is a plasma and electrostatic instrument, which is meant for structural and compositional studies of ionosphere. In this mission, PSLV will first inject EMISAT into an orbit of 749 kilometers. Subsequently, PS4 will come down to 504 kilometers orbit after firing its engines twice. And will release 28 foreign satellites. Eventually, the stage will achieve a 485 kilometers orbit. To carry out space-borne experiments using its 3 payloads. For the first time, PSLV 4th stage will also have solar panel for generating electrical power in orbit. The availability of PS4 as a test platform will provide an opportunity to study Earth's ionosphere in real time.
which is expected to help in developing accurate ionospheric models, which in turn will be helpful in improving accuracy of satellite navigation signals. These models will also help in many other applications. PSLV-C45 flight is now ready to begin its journey from the second launch pad of Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota, the spaceport of India. Welcome back to the live telecast. On your screens again, our chairman, Dr. Shivan, a view of PSLV, a close-up view of the top portion of PSLV, and PSLV on the launch pad, undergoing final checks for the launch. Dear viewers, today I want to tell you a very important information regarding the telecast. The today's telecast is planned in two parts. After the injection of the first satellite, the EMISAT, at about 9:45, we will go off air and return for the live telecast at 11:10 a.m. This is because the next orbit will be achieved in about 90 minutes from EMISAT injection, and for that, the fourth stage will be restarted twice, and the second restart is planned only at 11:15 a.m. So, we will back to you at 11:10 a.m. with the telecast again after signing off for the first part. इस समय लॉन्च से हम लोग 4 मिनट और 18 सेकंड दूर हैं. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जो कि हमारे व्हीकल डायरेक्टर ने ऑथराइज किया था उसके अनुसार आगे बढ़ते जा रहे हैं. और जो हम चेक्स करते हैं तो शुरू के चेक्स हम बैटरी को बाहर रख के करते हैं और इसके बीच में आते ही सारे चेक्स इंटरनल पे आते हैं. तो इस समय सारे चेक्स अब इंटरनल पर हो रहे हैं एंड वी हैव स्विच्ड ओवर. अभी समय जो आप देख रहे हैं दीर्षक दीघे हमें, ये हमारे कस्टमर्स हैं जिनको मैंने लॉन्च देखने के लिए ये हमारे दीर्घा की गैलरी में जा रहे हैं, वहाँ से ये सीधा देखेंगे. इस समय हम तीन लॉन्च से करीब 3 मिनट और 30 सेकंड दूर हैं और सारे चेक्स नॉर्मल चलते जा रहे हैं. जैसा कि मैं पहले बता रहा था, आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे जब लॉन्च से करीब 2.8 सेकंड पहले रहेंगे तो इसके दो RCT रॉकेट फायर किए जाएंगे और उसके लॉन्च टी प्लस 0.42 सेकंड और 0.62 सेकंड पर और दो स्टेप ऑन एंड चार. ये इवेंट इतने पास होंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ेगा कि कैसे RCT फायर होता है और किस तरह से चारों के चारों स्टेप ऑन इग्नाइट होंगे. उसके बाद ही ये रॉकेट जो है वो धीमे धीमे ऊपर उठने की कोशिश करेगा और इनको इग्नाइट करने के बाद में ये धरातल से जब करीब 28 किलोमीटर पर होगा और इसकी स्पीड करीब 1.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी तब इसके स्टेप ऑन, क्योंकि उस समय तक उनका फ्यूल ख़त्म हो चुका होगा, एक एक करके अलग होते जाएंगे. लेकिन प्रथम चरण का जो रॉकेट है वो उसके बाद में चलता रहेगा और उसका जो पृथकीकरण है वो करीब 1 मिनट 48.8 सेकंड के बाद होगा. उसके तुरंत ही द्वितीय चरण का जो हमारा रॉकेट है जिसमें कि तरल नोदन भरा जाता है उसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा और इसमें करीब 41 टन यानी 41 टन ईंधन और ऑक्सीडाइजर दोनों भरा हुआ है और ये जब करीब करीब 68 किलोमीटर की ऊंचाई पर आएगा उस समय तक ये रॉकेट को 2 किलोमीटर पर सेकेंड की गति प्रदान कर देगा. द्वितीय चरण का रॉकेट लगभग 153 सेकेंड तक अपना प्रणोद प्रदान करता है. उसके बाद ये करीब 4 मिनट 21.3 सेकंड पर ये अलग हो जाएगा और तृतीय चरण को प्रज्वलित करेगा. इसी बीच रॉकेट वायुमंडल के हवा के गतरों से बाहर निकल जाता है. उस समय हम लोग जो हमारा ऊष्मा कवच है उसको हम अलग कर देते हैं. ये करीब 115 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका हीट शील्ड अलग हो जाएगा. ये क्रिया लगभग 2 मिनट और 29 सेकंड पर होगी. तृतीय चरण जो कि 4 मिनट 22 सेकंड को इग्नाइट किया गया था वो रॉकेट की गति को करीब 4 किलोमीटर पर सेकंड से बढ़ा के 5.77 किलोमीटर तक बढ़ा देता है. इस समय हम लॉन्च से करीब 1 मिनट दूर हैं. अब हमारे सहयोगी आपको आगे का हाल बताएंगे. वेरी क्लोज टू लॉन्च, जस्ट 1 मिनट एंड 15 सेकंड्स टू गो. ऑन योर स्क्रीन एक्सट्रीम राइट, डॉक्टर सोमनाथ, डायरेक्टर VSSC. कमिंग ऑन स्क्रीन नाउ इज डॉक्टर शिवन, चेयरमैन इसरो. नेक्स्ट टू हिम नाउ ऑन स्क्रीन अपीयरिंग इज
C.S. Pandian, Director of Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota. Minus 55 seconds. All stops around. Visitors here moving out of the setting place to have an open view of the launch from the launch gallery here. Minus 45 and seconds. We are just few seconds now, about 40 seconds minus to launch. Minus 40 seconds. We would like to tell you that in this mission, minus we are going seconds. To three different orbits for the first time. And excitement of the mission really building up. We momentarily go quiet and have seconds. A feel of the launch. Just 20 seconds now. अभी समय आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं रॉकेट का नीचे का पोर्शन. यहाँ पर दो RCT रॉकेट्स लगे हुए हैं जो कि करीब लगभग 3 सेकंड के आसपास उनको प्रज्वलित किया जाएगा. अब इसको आप ध्यान से देखेंगे. इस समय 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये देखिए प्रज्वलित हो गया RCT रॉकेट. इसके बाद में ये चारों स्टेप ऑन प्रज्वलित हैं और ये एक विहंगम दृश्य. इस समय जो रॉकेट है इन चारों स्टेप ऑन और मुख्य रॉकेट को लेकर आकाश की ओर अग्रसर हो रहा है, अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है. परफेक्ट नॉर्मल लिफ्ट ऑफ, ऑल द फोर स्ट्रैप ऑन्स एंड द कोर ब्लेजिंग द PSLV टुवर्ड्स द स्काई. द ग्रेविटी ऑफ अर्थ सक्सेसफुल इन नेगोशिएटेड बाय PSLV. कैन यू हियर द रोर? इस समय आपको वहां से निकलने वाली आवाज का अनुभव हो रहा होगा और हमारे पैरामीटर्स जो कि हमारे स्क्रीन पे हमको दिखाई दिए जा रहे हैं वो फ्लाइट पैरामीटर सारे के सारे एकदम नॉर्मल चल रहे हैं. 45 सेकंड्स इनटू द लॉन्च, द स्ट्रैप-ऑन्स आर गोइंग टू बर्न आउट. द स्ट्रैप-ऑन बर्न आउट इज विल बी अनाउंस शॉर्टली टू यू. ये स्ट्रैप-ऑन का प्रतिक्रमण करीब 1:09.9 पर होगा. इस समय हम करीब 1 मिनट पर पहुंच रहे हैं. अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ क्षण के बाद में ये दो स्ट्रैप-ऑन आपको अलग होते हुए दिखेंगे. ये दृश्य क्योंकि आज का आसमान एकदम क्लियर है आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं. द फोर स्ट्रैप-ऑन्स आर सेपरेटेड. नाउ द PSLV कोर S139 इज बर्निंग. दिस S139 हैज अ स्पेसिफिक इंपल्स ऑफ 270 सेकंड्स. इट बर्न्स फॉर 105 सेकंड्स इन टोटल एंड हैज अ पीक थ्रस्ट ऑफ 4800 किलो न्यूटन. वी आर नाउ वेरी क्लोज टू द PS1 बर्न आउट. 1:48.8 पर ये जो प्रथम चरण है दूसरे चरण से अलग हो जाएगा. उसका दृश्य भी सामने आएगा और हम लोग इस समय सिर्फ 2 सेकंड दूर हैं उस इवेंट से. और ये भी अनाउंसमेंट हुआ कि इसका पहला चरण मुख्य रॉकेट से अलग हो गया. द PS1 हैज सेपरेटेड एंड द फर्स्ट स्टेज ऑफ द व्हीकल हैज डन इट्स जॉब. द सेकंड स्टेज व्हिच इज अ लिक्विड इंजन बेस्ड स्टेज हैज बीन इग्नाइटेड. The second stage of the PSLV is called PS2 and it employs our Vikas engine with 42 tons of liquid propellants loading. It has a steady state thrust of 800 kilonewtons and burns for about 150 seconds. PS2 is 12.8 meters in length and now in few seconds you will have the atmosphere being crossed. We are already at an altitude of 114 kilometers. Heat shield separation will happen now. इस समय हमारे आरओडी ने अनाउंस किया है कि हमारा ऊष्मा कवच मुख्य रॉकेट से अलग हो गया है क्योंकि हमारा जो रॉकेट है वो वायुमंडल के घर्षण को पार कर चुका है. अब ये द्वितीय चरण का रॉकेट जैसा कि आपको बताया था अभी 153 सेकंड तक ये प्रज्वलित होगा और ये 4:21.3 पर ये अलग होगा रॉकेट से. उस समय तक ये इसकी वेलासिटी को बढ़ा के लगभग 4 किलोमीटर तक पहुँचा देगा. Now we are at an altitude of 155 kilometers. The flight time is 188 seconds. We have covered around 190 kilometers from Sriharikota. A view of range operation director making observations and announcements for the launch. इस समय आप हमारे आरओडी का अनाउंसमेंट सुनने के लिए तैयार हो जाइए आगे का जो इवेंट आने वाला है. Flight time around 235 seconds. The next event second expected is normal. The second stage burnout and separation around 260 seconds. We are very close to that. In another 1 second, you will hear the second stage separation. Rocket अपने गंतव्य की ओर बढ़ता जा रहा है और जो हमारे प्लॉट बोर्ड्स पे हमको जो चार्ट दिखा रहे हैं जिनका प्रेडिक्शन किया गया था यानी और इस पे चल रहा है दोनों एक के ऊपर में ओवरलैप कर रहे हैं. माने कि इसको हम लोग कॉपी बुक स्टाइल बोलते हैं
और सारे पैरामीटर जितने प्रिडिक्ट किए गए थे और जो इस समय हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एकदम सेम आ रहे हैं। अब ये चार मिनट और 21 सेकंड पे ये हमारा जो सेकंड स्टेज है उसका बर्न आउट है। इस समय हम लोग चार मिनट और करीब 12 सेकंड पर हैं और ये धीमे धीमे बढ़ता तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। वेरी क्लोज टू द बर्न आउट ऑफ सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज सेपरेटेड नाउ। अब अनाउंसमेंट किया गया है कि तीसरा स्टेज प्रज्वलित हो गया है और दूसरा स्टेज सेपरेट हो गया है। द सेकंड स्टेज हैज सेपरेटेड, द थर्ड स्टेज इग्निशन हैज हैपेंड एंड नाउ from in during the second stage, stage 5 seconds after the initial separation we had switched over to the closed loop guidance of our mission. In the closed loop guidance which was initiated at 5 seconds after initial separation, the guidance commands are generated from PS2 and PS3 stages based on velocity to be gained guidance. The velocity to be gained guidance computes the required velocity at each point and steers the vehicle to achieve the required velocity so that the vehicle is put into predefined orbital ellipse. The E guidance algorithm generates steering commands in the fourth stage to inject the spacecraft into orbit with the required apogee, perigee and inclination. PS4 thrust cutoff command will be issued based on the circular velocity conditions. After PS4 cutoff, the vehicle will be reoriented for safe separation of satellites. The restart phase guidance logic takes care of the burn start as well as end as the orbit injection and accuracy requirements for the both remaining orbits. जो तीसरा चरण 4 मिनट और 22 सेकंड पे प्रज्वलित किया गया था वो गति को 4.03 किलोमीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 5.775 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंचाएगा। इस प्रज्वलन के बाद में कुछ देर का रॉकेट कोस्टिंग फेज में रहेगा, उसके बाद में चतुर्थ चरण को प्रज्वलित किया जाएगा। इस समय हम बहुत करीब पहुँच रहे हैं तीसरे चरण के। अभी जैसा कि अनाउंसमेंट किया गया है तीसरे चरण से निकलने वाला प्रणोद या थ्रस्ट एकदम जो प्रेडिक्शन था और जो उसका ट्रेजेक्टरी है दोनों में एकदम समानता है, बिल्कुल एक के ऊपर एक में चल रहे हैं, माने एक के ऊपर हमको दिख रहे हैं सीट के ऊपर में। थर्ड स्टेज एक्शन कंप्लीट। द थर्ड स्टेज एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड एज यू हर्ड द अनाउंसमेंट। नाउ द व्हीकल हैज गॉन इनटू एन इंटेंशनल कोस्ट ऑफ 136 सेकंड्स। This international coast essentially means the non-thrusting phase of the flight. This is an excellent feature with PSLV in which we can have an intermediate coast, gain velocity, gain altitude and at the cost of the velocity, and the requirement for this is vehicle to achieve the required injection orbital ignition conditions from PS4. During the ascent flight in atmosphere and also in deep space, the launch vehicle encounters severe thermal environments as by the terms of heating in atmosphere as well as the cool atmosphere of the deep space. Then for this management, the launch vehicle structures, spacecrafts and other sensitive equipments are protected by suitable thermal protection system which keep the temperatures within the limits. The temperature of PSLV, various systems and various subsystems are managed by various kinds of thermal protection systems developed in-house by ISRO. इस समय लॉन्च के बाद हम 7 मिनट और 40 सेकंड पर हैं और जो हमारा अगला जो इवेंट है वो 8 मिनट और 40 सेकंड पर होगा। वो है चतुर्थ चरण का द्रव निंद्रक इंजन, उसको हमको स्टार्ट करना है। जैसा कि हमको बताया गया कि कोस्टिंग का जो फेज है वो एकदम नॉर्मल चल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जब हमने इंजन का जब तीसरे चरण का इंजन बंद हो गया है और जो हमको वेलोसिटी प्राप्त हुई है उसका हम उपयोग करते हुए उस रॉकेट को चतुर्थ स्टेज और थर्ड स्टेज दोनों को मिलाकर उसको हम आगे बढ़ाते रहते हैं। इससे हमको उसका एटीट्यूड करने में थोड़ा मदद मिलती है। अब इस समय हम 8 मिनट और करीब 17 सेकेंड पे हैं और इससे अभी 20 सेकेंड के बाद में दूसरा इवेंट जिसमें कि हम सेकेंड स्टेज को प्रयोग करेंगे। उसके प्रणोद से निकल उससे जो प्रणोद प्राप्त होगा वो PS4 7.43 किलोमीटर तक की गति को प्रदान करेगा। ये गति हमको इसलिए जरूरी होगी ताकि हम उसको पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित करें। इस समय हमको अनाउंसमेंट मिला है कि थर्ड स्टेज को जो चतुर्थ स्टेज से अलग कर लिया गया है और हम सेपरेटेड एंड द फोर्थ स्टेज इग्निशन विल हैपन शॉर्टली। फोर्थ स्टेज इंजन स्टार्टेड। और फोर्थ स्टेज का द्रव निंद्रक इंजन जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब उसके प्रणोद से ये
हमारी जो स्पीड जो हमने 5.77 किलोमीटर पर सेकंड थी, अब उसको बढ़ाते हुए वो 7.43 किलोमीटर पर सेकंड तक की गति को प्राप्त करेगा। स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। और अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि इसे निकलने वाला प्रणोद चतुर्थ स्टेज से नॉर्मल है। ऑन योर स्क्रीन्स यू हैड सीन द इंटेंडेड पाथ एंड द पाथ विच द व्हीकल इज अटेंड वन ओवर अनदर राइट ऑन डॉट द मिशन इज गोइंग एज पर प्लान nominally. We are now around at the altitude of 620 kilometers. We will go up to 750 kilometers now. PS4 is now burning. Performance has been normal. And let me tell you that we have three versions of PSLV, four stage, that is PS4. And as per the loading capabilities, and they are 1.6 tons loading, 2 tons loading, and 2.5 ton loading. Now, as per the requirements of this mission, we are using the heaviest version of PS4, that is PS4 with 2.5 tons loading. The PS4 is a high performance engine and has a specific impulse of 305 seconds and a total thrust of 15 kilonewtons. जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि PSLV के कई versions हैं, कई variants हैं। ये जो आज का जो rocket launch कर रहा है, इसमें PSLV में मुख्य रॉकेट के साथ में हमने चार स्टेपन रॉकेटों को जोड़ा था, और इसके PS4 स्टेज में इस बार हमने इसके टैंक के चारों तरफ सोलार पैनल लगाए हुए हैं, ताकि जब हमारा जो एक्सपेरिमेंट, जिसको कि हम PS4 ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके लिए वो विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करेगा। पहले हम प्रथम चरण, प्रथम सेटेलाइट छोड़ने के बाद में हम दूसरी ऑर्बिट में जाएंगे, वहाँ पर हम अपनी विदेशी सेटेलाइटों को छोड़ेंगे, उसके बाद में PSLV फोर्थ स्टेज को हम एक और ऑर्बिट में लेके जाएंगे, जहाँ पर कि हम तीन एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें हमारा ISC का एक्सपेरिमेंट है, अमेचर रेडियो का एक्सपेरिमेंट्स है, ये तीनों वहाँ पे किए जाएंगे। इस समय हम 11 मिनट लॉन्च से दूर हैं, और हमारा जो अगला इवेंट है वो 16 मिनट और 24 सेकंड पर होगा, जब तक कि हम 750 किलोमीटर की कक्षा में पहुँच जाते हैं। ये इवेंट जो है वो रियल टाइम में ही डिसीजन लेगा ऑनबोर्ड कंप्यूटर और चतुर्थ स्टेज के इंजन को बंद करेगा। On your screens, the vehicle performance, as you can see, the blinking dot is the current position of the vehicle, the red line is the intended path, and the green line is the path achieved. As you can see, the mission has performed as planned. We are now at an altitude of 700 kilometers, and one important aspect to share with you now is that as the standard launch clearance protocol, we have always performed collision avoidance studies with space debris already in the orbits. Here, an analysis is done to assess the collision risk between already existing space objects and the upper stage of launch vehicle, and also the satellites once they are in orbit. Potential collisions, if any detected, are avoided by adjusting the launch within the specified launch window. We have delayed the launch in some of our previous missions by 30 seconds to 2 minutes based on this analysis. The recent examples are PSLV-C42 and C-43 missions. However, there is no such concern for this mission. This collision avoidance analysis is carried out as a standard practice for all our launches from Sriharikota. Now we are at an altitude of about 720 kilometers, and the flight time is around 750 seconds. इस समय आप हमारे जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हमारे जो इसरो के साइंटिफिक सेक्रेटरी में बैठे हुए हैं, उनके साथ में श्री वेंकटरमन जो यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर हैं, श्री रंगनाथ दत्त जो शार के डायरेक्टर हैं, श्री पुंगिनन जो हमारे रेंज ऑपरेशंस डायरेक्टर हैं। इस समय आपके स्क्रीन पर ये एक और दृश्य है, जिसमें कि हमारे कंसोल्स पर बैठे हुए विभिन्न लोग अपने अपने पैरामीटर्स को मॉनिटर कर रहे हैं। ये फ्लाइट पैरामीटर अभी आप देख रहे हैं, इस समय करीब 13 मिनट और 17 सेकेंड हो गए हैं, और जैसा कि अभी अनाउंसमेंट किया गया है, PS4 इंजन का जो थ्रस्ट आ रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल है, और उसका जो जैसा कि आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं हरे रंग का डॉट जो आ रहा है, वो बता रहा है कि वो कहां पर उसकी पोजीशन है, और जो लाल रंग की लाइन है वो हम लोगों ने पहले से प्रिडिक्ट की हुई थी। इस समय आपके रेंज में दो दिख रहे हैं, रेंज और आल्टीट्यूड, माने हम कितने ऊँचाई पर हैं और कितनी दूर हैं, और अगर हम ऊपर से देखें तो हमको कैसा दिखाई देगा, उसका ग्राउंड ट्रेस आप देख रहे हैं। इस समय शार सेंटर के जो एडिशनल एडी हैं,
Sri Badri ji. In the center, she mission in the center. She SR Biju, mission director of this plus mission, flanked minutes. By associate director Shar and associate director VSSC. Now on screen, Dr. K. Shivan, flanked by Sri S. Pandian. Now, Sri S. Somnath on the left of the screen. Again, now the vehicle, as it is flying, back to the mission control, where all the center directors, next to Sri Somnath in pink shirt, Sri Narayanan, LPSC director, followed by Isaac director, Ahmedabad Space Application Center director, then URSC director, Sri Kunnikrishnan, then IPRC director, Sri Mukaiya, and at the extreme corner is Sri Sam Dialdev, the director of ISRO Inertial Systems Unit. इस समय आपके चार्ट आपके स्क्रीन पे फ्लाइट पैरामीटर्स दिखाए जाते हैं. समय इस समय 893 सेकंड हो चुका है. वेलोसिटी करीब 7 किलोमीटर की आ चुकी है और हम रॉकेट अग्रसर होता जा रहा है. और अगला इवेंट जो है वो करीब 16 मिनट और 24 सेकंड पर होगा और हम इस समय 15 मिनट और 8 सेकंड में, यानी कि अब से एक मिनट के बाद में हमारा जो नेक्स्ट इवेंट होगा, जो कि मुख्य इवेंट है जिसमें कि हम अपनी इमीसेट सेटेलाइट को पृथ्वी की उपग्रह कक्षा में इसको भेजेंगे. ये एक और फ्लाइमीटर दिखाया जा रहा है जिसमें कि ये आपको दिखेगा कि अगर हम इसका ग्राउंड ट्रेस देखें, यानी कि हम अगर अंतरिक्ष से अगर देखें कि हमारी पोजीशन रॉकेट की कहाँ है और वो किस हिस्सा पे जा रहा हुआ है. ये जो प्लॉट दिखा रहे हैं या ये जो ट्रेस दिखा रहे हैं, ये समय और उसकी वेलोसिटी है. इस समय हमारी रॉकेट की वेलोसिटी करीब 7.28 किलोमीटर पर सेकेंड हो गई है और PS4 इंजन अभी अपना प्रणोद दे रहा है, जैसा कि हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था और जैसा कि उसमें से निकल रहा है. दोनों में एकदम समानता है. अब हम समय करीब 16 मिनट हो रहे हैं और हमारा जो अगला इवेंट है वो 16 मिनट और 24 सेकंड पर होगा, जो कि प्लस 16 मिनट्स. अभी समय ROD का अनाउंसमेंट होने वाला है. अब आप उसको ध्यान से देखिए. वी आर वेरी क्लोज टू द शट ऑफ कमांड फ्रॉम PS4 एट द एंड ऑफ द मिशन. That is, the orbital conditions are being achieved shortly. Anytime you will hear that the PS4 has been shut off after achieving the orbital conditions. We are at altitude of 752 kilometers and 987 inches of flight. Shut off. Now PS4 ka engine band kar diya gaya hai kyunki humne relative velocity gain kar li hai. Jaisa ki aapko dikhaya gaya tha us chart mein, करीब 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड की हमने वेलोसिटी गेन कर ली थी. जैसा कि हम लोगों को जरूरत थी उसी हिसाब से PS4 का जो प्रणोद है वो अब स्नाप हो गया है और हम अब वेट कर रहे हैं कि सैटेलाइट सेपरेशन का कमांड कब इशू किया जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी इशू होगा. 47 सेकंड्स आफ्टर शट ऑफ द EMISAT इज प्री प्रोग्राम्ड टू सेपरेट. अब हम लोग 5 सेकंड दूर है सैटेलाइट सेपरेशन से. इस समय समय हो रहा है. Shortly we will show to you the live separation of EMISAT from the satellite. Yeah, satellite separation हो गया. अब आप देखिए समय आपके स्क्रीन पे. You can see the separation of EMISAT. Live brought to you from our onboard video cameras, the separation of EMISAT from PSLV-C45. The first and the main satellite is now separated and this part of the mission is successively accomplished. This is range operations director. Mission is continuing with 2 PS4 restarts. After a second restart operation at 11:15 hours IST. इस समय जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो हमारा मुख्य रॉकेट है, उसमें जो ऑनबोर्ड कैमरा लगा हुआ है, वो सैटेलाइट के इमेज लेता जा रहा है, जो कि हम आपके स्पेस स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं. Others shall reassemble at 11 hours IST. I repeat, others shall reassemble at 11 hours IST. All stations involved in the operations shall continue in position. Dear viewers, here is an important announcement regarding our telecast. As you have seen, EMISAT has been successfully placed in its orbit. Now, next, for the injection of 28 international customer satellites, we need to go to a different orbit and a different inclination. For this, we have to restart the PS4 twice, and the first restart is planned around 10:27 a.m. IST, that is about 40 minutes from now. The second restart will be another 49 minutes later at around 11:16 a.m. So as we wait for the orbital conditions of the restarts to be achieved, we will now go off air for some time. We will resume the telecast of this mission at 11:10 a.m. IST.
We wish you goodbye for now, and we will be at your service at 11:10 a.m. IST to show to you the restart status as well as the injection of all the 28 international customer satellites into their orbits. Thank you for being with us. Good day, and see you again at 11:10 a.m. Bye for now. Namaskar. Ab hum log fir aapse 11:10 par fir milenge. Gracefully billowing vapor from the cryogenic upper stage of the rocket poised on a launch pad is a familiar sight at the spaceport of India, Satish Dhawan Space Centre at Sriharikota. This spaceport has seen many launches and many rockets, but this one is special. This is the geosynchronous satellite launch vehicle, or GSLV, developed by the Indian Space Research Organization, ISRO. GSLV is a three-stage launch vehicle. The first stage consists of a solid motor with four liquid strap-on motors. The second stage is a liquid stage, and the upper stage uses cryogenic propulsion. It is no idle boast to claim that the cryogenic upper stage is a masterpiece in the field of space technology and engineering. The cryogenic upper stage in GSLV consists of two separate tanks to carry 12.5 tons of liquid hydrogen and liquid oxygen. Liquid oxygen, LOX, an oxidizer, is required to be stored at minus 183 degrees Celsius, and liquid hydrogen, LH2, the fuel, at minus 253 degrees Celsius. The major subsystems of the cryogenic engine are the combustion chamber, gas generator, turbopump, and the startup system. In spite of the complexity and challenges, LOX and LH2 are still preferred propellants owing to their efficient performance and ability to produce maximum thrust and energy required to carry heavier payloads to orbit. The efficiency of the propulsion system is measured in terms of specific impulse. The specific impulse is defined as the thrust produced per unit mass flow rate of the propellant. The higher the specific impulse, the greater the energy produced per unit quantity of the propellant. The specific impulse of cryogenic propulsion is superior compared to that of solid propulsion and liquid propulsion. The cryogenic upper stage engine of GSLV is capable of developing a nominal thrust of 7.5 tons in vacuum. Producing cryogenic fluids is an arduous task. Hydrogen is not freely available in required quantities in the atmosphere, and hence has to be produced through complex chemical processes. It is at the Liquid Propulsion System Center, LPSC, that the first steps for producing hydrogen are taken. Once produced, these cryogenic fluids necessarily have to be stored in super-insulated storage tanks in order to minimize boil-off losses. The major challenges encountered are during transportation and servicing of the cryogenic propellants. Hence, the storage tanks, transfer pipelines, and transportation tankers are carefully designed and constructed with appropriate materials. These tanks, tankers, and pipelines have double-walled construction. The annular space between the two walls is evacuated, and the outer layer of the inner wall is applied with multi-layered insulation
making it super insulated. The complex cryogenic rocket technology demands a high level of skill and ingenuity from the scientists. Very few countries have achieved success in designing operational cryogenic engines. The GSLV has had 7 flights. 6 flights of GSLV developed by ISRO so far have used a Russian cryogenic stage as the upper stage. To make India less dependent on foreign launchers, ISRO initiated the indigenous development of cryogenic engine for use in GSLV. The cryogenic upper stage engine is designed, developed and integrated by ISRO's Liquid Propulsion System Center, LPSC, along with the Vikram Sarabhai Space Center and a host of industries from public and private sector. The cryogenic stage is integrated at LPSC's Mahendragiri facilities and transported to the Satish Dhawan Space Center, SDSC SHAR, for integration with the launch vehicle. SHAR has all the massive infrastructure facilities required to handle the cryogenic propellants. The spectacular sight of the launch vehicle holds all of us in wonder as it defies the Earth's gravity. With the power and efficiency of the cryogenic propulsion, GSLV is capable of injecting the 5 tons class of satellites into 600 kilometers low Earth orbit, LEO, or the 2 ton class of satellites into geosynchronous transfer orbit, GTO. April 15, 2010 saw the first developmental flight with the indigenous cryogenic stage. This was the 6th flight of GSLV, designated as GSLV-D3. Regrettably, this flight was unsuccessful. The ISRO fraternity took this as a challenge and put in considerable efforts to identify the errors of the first developmental flight of the indigenous cryogenic engine. A large number of reviews have been conducted to determine the cause of the failures and to ensure confidence for the next flight. The recommendations of all these reviews have been implemented for the next flight. The design modifications for the identified elements have been incorporated in the hardware, adequate qualification and acceptance tests have been carried out, and the stage has now been set for GSLV D5 to validate the performance of these improvements in flight. A high altitude test, HAT facility, has been set up at LPSC Mahendragiri. This facility simulates the environmental conditions at the time of ignition of the cryogenic engine during flight. The cryogenic engine has successfully undergone ignition tests under vacuum conditions in the HAT facility. The indigenous cryogenic engine and stage have been systematically and rigorously tested on ground to prove its flight worthiness. A large number of hot tests on main engines and steering engines have been successfully carried out. Having cleared all tests and trials, the indigenously developed cryogenic stage is now ready to power GSLV D5. GSLV D5 is scheduled to launch GSAT 14 in 2013. GSAT 14 is realized as an extended C-band and Ku-band payload spacecraft. It is configured based on standardized I-2K bus. This spacecraft will have 6 extended C-band transponders providing pan-India coverage, 6 Ku-band transponders providing Indian mainland coverage, and
two Ka beacons for propagation studies. The spacecraft is designed to be compatible with the developmental flight of GSLV-D5. With a dry mass of 851 kilograms and a liftoff mass of 1,982 kilograms, with a guaranteed minimum operational life of 11 years. This indigenously built cryogenic stage has been painstakingly put together. An elaborate and complex modern-day marvel down to its finest detail. It is prepared to lend its wings to carry the GSLV soaring to success as the nation applauds.